Hello students, today we are going to learn the beautiful lesson 1.6, that is the alchemy of nature. The lesson is very important from the examination point of view. ये जो लेसन है examination point of view बहुत ही important lesson है. तो before we proceed, I would like to tell you the meaning of the title of the lesson, the alchemy of nature. The alchemy means miracles of nature. The alchemy means magic of nature. The alchemy means wonders of nature. The alchemy means grandeur of nature. Okay, so we will see in detail the miracles of nature. The lesson is very beautiful. Every word, every line, every paragraph is very, very significant of this lesson. So we will see in detail. Look at the lesson. Start करेंगे यहाँ से. तो लुक एट द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, जनरल पैराग्राफ है. वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड इनहांसिंग आवर वेल बीइंग. नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स, नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स. लुक एट द राइटर सेज दैट वी जनरली इंस्टिंक्टिवली का मीनिंग होता है बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट. ये मीन्स ये जनरल है कि व्हेन वी आर डिसअपॉइंट, when we are upset, we go outside to the nature in order to get relaxed. तो nature soothes, जैसे nature cares करता है हमारे. okay, nature nurtures, nature care for us, nature okay talk to us, nature fulfills and nature inspires us, nature motivates us. nature whispers, whispers का meaning होता है to talk in a very low voice. nature commands us, nature gives command us to do some things. are you listening? तो we okay have the question. तो हमें एक question पूछा है यहाँ पे कि are we okay means listening to the nature. तो ये verbal question है, इसका answer expected नहीं है. तो इसका answer है कि we should listen the nature. when I do, it leaves me in a complete awe. तो राइटर यहाँ पर बताते कि व्हेन राइटर लिसन टू द नेचर, राइटर इज अमेज्ड. ऑ का मीनिंग्स होता है अमेजमेंट, ग्रेट सरप्राइज, वंडर. तो व्हेन एवर द राइटर लिसन टू द नेचर, राइटर इज अमेज्ड, राइटर इज टेकन अबैक. अब यहाँ से होता है फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट, और ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ से हमें एक मैसेज भी मिलता है. एवरी पैराग्राफ हैज अ मैसेज. तो देखो यहाँ से हमें कौन सा मैसेज मिलता है. तो ओके स्टार्ट करेंगे यहाँ से भी. वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन, एवरी फोर्टनाइट ए फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, बिग ब्राइट एंड टेंडर. अब राइटर सेज दैट कि एक गार्डन है, गार्डन में एक प्लांट है, दैट इज हिबिस्कस प्लांट. और एवरी फोर्टनाइट मीन्स, फोर्टनाइट मीन्स होता है पीरियड ऑफ 15 डेज के बाद वो खिलता है. उस पर एक हिबिस्कस प्लांट का जो एक फ्लावर है वो उस पर खिलता है. कैसे खिलता है? बिग ब्राइट एंड टेंडर. बिग ब्राइट मीन्स शाइनिंग एंड टेंडर मीन्स बहुत ही डेलिकेट रहता है वो. थ्रू द डे इट स्माइल्स. अब इसका मतलब है कि वो थ्रू द डे स्माइल का मतलब होता है कि वो शाइन करता है यहाँ पे. दैट इज़ अ लिटरल लैंग्वेज. ओके समझने की कोशिश करो, इट्स अ लिटरल लैंग्वेज है ये. विद द सन एंड डांस विद द विंड. अब विंड के साथ डांस करता है वो, ब्रीज के साथ डांस करता है. इसका मतलब ये नहीं कि ड्यू टू द मोमेंट्स ऑफ द विंड दे ओके ड्यू टू द विंड देर इज़ अ मोमेंट. वो हिलता है जो फ्लावर, वो हिलता है. और राइटर ने उसकी मोशन को, उसके मोमेंट को कहा है कि एज इफ इट डांस. बट एज इवनिंग अप्रोच, लेकिन जैसे शाम होती है. ओके एट द इवनिंग अराइव्स इट स्टार्ट विल्टिंग. लेकिन जैसे इवनिंग होती है तो क्या होता है कि जो फ्लावर है, विल्टिंग मीन्स होता है ड्राइंग एंड ड्रूपिंग. ड्रूपिंग मीन्स होता है झुकना. ड्राई मीन्स उसका जो शाइनिंग है, ब्राइटनेस है, वो कम हो जाता है और फ्लावर झुकने लगता है. द मॉर्निंग आफ्टर, दूसरे दिन क्या होता है कि इट विदर्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से वो विदर्स मीन्स होता है डिके हो जाता है, ड्राइज हो जाता है, सूख जाता है टू कम्प्लीटली. एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स. और इवनिंग में तो ये बात हो जाती है कि वो गिर जाता है ज़मीन पर एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन. और उसकी जो लाइफ है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है. The life of the flower comes to an end here. तो look at writer ने बहुत ही अच्छा message हमें यहाँ पर दिया है. That is the flowers comes to life only for a day. अब ये flower की जो life है only एक दिन की है.
द लाइफ स्पैन ऑफ द फ्लावर इज ओनली फॉर अ डे, लेकिन एट मीन्स होता है लेकिन इसके बावजूद भी, इट डज सो इन अ फुल स्प्लेंडर, लेकिन फिर भी वो बहुत ही स्प्लेंडर मीन्स होता है बहुत ही जोश में, ओके बहुत ही स्प्लेंडर का यहाँ पर मीनिंग नहीं दिया है तो वही बता रहा हूँ कि मीन्स ओके स्प्लेंडर में बहुत ही ओके विद अ वेरी गस्टो एंड जिल के साथ वो खिलता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरी लाइफ तो एक दिन की है तो मुझे इतना ब्यूटीफुली ब्रीक ब्राइट नहीं खिलना चाहिए, ऐसे नहीं सोचता वो, चाहे एक दिन की लाइफ क्यों ना हो वो वही जोश में और वही ओके ब्राइटनेस में वो खिलता है। और हमें भी यहाँ से ये बात सीखनी चाहिए, चाहे हमारा लाइफ स्पैन कितना भी शॉर्ट क्यों ना हो, हमें जो लाइफ है वो कैसे जीनी चाहिए, ये फ्लावर की तरह जीनी चाहिए। लुक एट व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ हाउ एवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट। लाइफ स्पैन शॉर्ट क्यों ना हो लेकिन लाइफ शुड बी लिव टू इट फुलेस्ट, क्यों लाइफ कितने साल तक आप जिए दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपने लाइफ कैसे जिए ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू लिव्ड योर लाइफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग हंड्रेड स्पैन कर जो लाइफ स्पैन है वो तक जीते हैं बट दे डू नथिंग्स ओके समथिंग डिफरेंट समथिंग यूनिक इन देयर लाइफ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसके बायोग्राफी हम पढ़ते हैं हमें ओके पता चलता है उनके बारे में ओके तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही कम स्पैन लाइफ जीते हैं लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली ओके बहुत टू द फुलेस्ट वो लाइफ वो जीते हैं। तो ये मैसेज हमें यहाँ से मिला है और आज के जो पहला जो ये वीडियो है इस लेसन का तो इसमें इतना इनफ है और जो रिमेनिंग जो लेसन है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेसन कवर करने की कोशिश करूँगा ओके तो थैंक यू वेरी मच।